तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट मनोज दे के बारे में। तो एज मनोज दे के इवेंट में ओनली वन डे लेफ्ट रह गया है एंड उनसे मिलने सबसे पहले पहुंचे नियॉन मैन। आप देखिए, ये है अपना नियॉन मैन। कैसे हो भाई? एकदम 8-10 साल बाद आया हूँ भाई। 8-10 साल बाद ना? ये अभी मत बताओ, अच्छा स्टेज पर बताना। अभी धनवादियाँ हैं, मतलब पहले थे, वो बाद में पता चलेगा आप लोगों को। आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। सो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है अबाउट उर्वशी रौतेला के बारे में। तो रिसेंटली ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ, तो फर्स्टली उनका ट्रीटमेंट देहरादून में चल रहा था, लेकिन अभी उनको कोकला बेन हॉस्पिटल मुंबई में शिफ्ट किया गया है। उसके बाद उर्वशी रौतेला ने कोकला बेन हॉस्पिटल की फोटो शेयर की, जिससे उनको काफी हेट मिल रहा है। सागर कैसम ने कहा कि दिस इज मेंटल हैरेसमेंट, इफ अ मैन डिड दिस ही वुड नेदर बी इन द जेल और हैव अ नेटफ्लिक्स क्राइम डॉक्यूमेंट्री इन हिज नेम। इस पर आशीष चंचलानी ने भी उसको रीट्वीट किया एंड वहीं सम्राट भाई ने कहा कि लव हैज नो बाउंड्री। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है अबाउट सुपर खालसा के बारे में। तो सुपर खालसा ने एक और एक्सपोज वीडियो निकाला क्रेजी XYZ के ऊपर, आप देखिए। हो गया था, उन्होंने पूरा बोला है कि मैं पूरे होश में था, अपने सांसों को कंट्रोल कर रहा था, मेरे हाथ के ऊपर जब पट्टी बांधी गई उन्होंने कुछ नहीं बोला, ब्लीडिंग हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, उन्होंने बोला कि मैंने अपने सांसों को कंट्रोल किया और मैं हॉस्पिटल तक गया। उनको एक एक चीज, सारी की सारी चीजें याद है, हॉस्पिटल पहुंचने तक, इलाज होने तक। तो कहीं पे अमित भाई बेहोश हुए? नहीं हुए ना, लेकिन थंबनेल के ऊपर अमित भाई बेहोश कैसे हो गए? आप इस थंबनेल को अगर ध्यान से देखोगे तो अमित भाई तो बेहोश हुए पड़े हैं, उन्होंने पूरी बॉडी को ढीला छोड़ा हुआ है, हाथ अपना आगे किया हुआ है, उनके दोस्तों ने उनको पकड़ा हुआ है। अमित भाई तो मेरे हिसाब से पूरे फुली बेहोश हुए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें भी बंद है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि भाई तो बेहोश है। लेकिन भाई ने जो स्टोरी बताई है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो तो बेहोश हो गए थे भाई, गाड़ी में ही चाहे रास्ते में बेहोश हो गए थे या शाम के काटने के बाद बेहोश हो गए थे। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए होते, अगर ये हॉस्पिटल की वीडियो होती, मान लो कि अमित भाई को बेहोश कर दिया गया क्योंकि उनके हाथ के ऊपर दर्द हो रही थी, तो भाई जब हॉस्पिटल पहुंच गए थे तो जब बेहोश किया गया, क्या डॉक्टरों ने हाथ के ऊपर ब्लड भी साफ किया होगा? डॉक्टर सबसे पहले हाथ के ऊपर ब्लड साफ करते हैं। तो इससे पता चलता है ये हॉस्पिटल से पहले की वीडियो है और अमित भाई को एक एक चीज याद है कि क्या हुआ था और वो कैसे पहुंचे, उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया। तो बस गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।